वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी कुछ टाइम हो रखा है 1:40 और अभी मैं हो चुका हूँ रेडी। ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब कर लिया है और पापा और मम्मी गए अभी नानी और के, और अभी हम जा रहे हैं अशोक विहार, वहाँ जो गाड़ी वगैरह के शोरूम है जहाँ पे लग्जरी कार्स है। तो गाइस ये इन तीनों की फ्रेंड तो चलते हैं। वो रचित अमन और विशु भैया नीचे रेडी है तो बस मैं ही ऊपर था, तो चलते हैं। इधर मौसी अपने लगी हुई है काम में, हमें लेके जा रहे हैं अशोक विहार। कौन सी गाड़ी दिखा के लाओगे आप? सारी मिलेगी वहाँ पे। हम गाइस यहाँ रचित ही ड्राइवर है यहाँ का, यही निकालता होता है बीड़ी गलियों से। यहाँ सभी रेडी हो चुके हैं चलने के लिए, विशु भैया आ चुके हैं ड्राइवर सीट पे, क्योंकि यहाँ मेरे पास भी लाइसेंस नहीं है अभी, रचित का भी नहीं है, तो यहाँ चला ही नहीं सकते, बस विशु भैया ही चला पाएंगे। तो चलते है, यही तो है दिल्ली की दिक्कत, ये देखना जहाँ भी मन करे गाड़ी फंसा के खड़ी कर देंगे। बताओ सेक्टर 14 ही बढ़िया है मेरा, तो इंसान में मैं बेस्ट हूँ वही। हम पहुंच चुके हैं अशोक विहार, यहाँ पे मतलब सारे शोरूम्स है जो गाड़ी के, लाइक ऑटो कार ये जो होते हैं ब्रिजस्टोन वगैरह, तो यहाँ पे है और यहाँ पे हरियाली भी बहुत है। मुझे थोड़ी बहुत गाड़ी दिखी है ओडी, मतलब सिंपल वाली जो A6 A4 SE और BMW X5 X7, अभी लग्जरी तो आई नहीं कोई अभी, लाइक ये मर्सिडीज वगैरह यहाँ पे ले चलो भैया उस पे कोई फरारी फरूरी हो कहीं पे है? फरारी फरूरी चुके आप, यहाँ पे सारी लग्जरी गाड़ी है पोर्श वगैरह ये, तो अब देखते हैं कोई वीडियो शूट हो पाए तो। तो गाइस अभी हम गए एक शोरूम में, वहाँ पे मतलब BMW की X6 वेरिएंट खड़े थे और मर्सिडीज मेबैक वगैरह खड़ी थी और जो कन्वर्टिबल वगैरह आती है, तो हमने पूछा वीडियो बनाने के लिए, तो भाई उसने वीडियो के लिए तो साफ मना कर दिया, मैं ठीक है। फिर उसने इतनी लंबी लंबी फेंकी, कह रहे कि हम मैंने जो KD है उसको भी मैंने वो दे रखी है गाड़ी, परमेश वर्मा को भी मैंने दे रखी है, जितने भी टोटली सिंगर के नेम है ना सबके ले दिए मैंने, उसको G-Wagon दिया है, वो दिया है, फलाना दिया, दिगाड़ा दिया। सो गाइज बोलता ही गया हम चुपचाप वापिस आ गए। सो गाइस अभी जा रहे हैं दूसरे शोरूम पे, देखते हैं वहाँ पे कोई बन जाए तो कोई वीडियो। अभी मैंने वीडियो बना लिया है रौनक मोटर्स पे, इन्होंने बनवा दिया इजीली, ये जाते ही बोले अगर आपका 4 भी सब्सक्राइबर हो तो भी बनवा दूंगा, मतलब जो इनका बिहेवियर था सरदार जी से काफी बढ़िया था। सो गाइस अभी मैंने वहाँ तो व्लॉग करा नहीं क्योंकि लेट हो रहा था, जल्दी से कार की वीडियो बनाई BMW X7 की, तो आप मेरे उस चैनल पे देख लेना और बनाई, और फिर मैं आ गया। फोन आ रहे हैं वहाँ पे क्योंकि हमें वहाँ जाना है बुआ के यहाँ या रिजोर्ट में। सो गाइस चलते हैं, बस अब निकल पड़े हैं घर पे, गाड़ी भारी पार्क कर दिया गली के, तो चलते हैं। सामान रख दिया वापस से, मतलब वहाँ पे जो रात को पहनने के लिए, तो अभी मम्मी और भी रेडी है, सब बैठ रहे हैं, तो अब चलते हैं। मैंने चार्जर लिया है, चार्ज नहीं है फ़ोन बिल्कुल भी, 30% है, तो इसको गाड़ी में चार्ज करेंगे, अभी आधा घंटा कुछ लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, तो चलते हैं बस निकल पड़े हैं, अभी बस आधा घंटा लगेगा। दिल्ली के आ चुके हैं फेमस माउंटेन्स, आपने कभी दिल्ली में माउंटेन्स देखे तो ये है। सो गाइस मैं आपको सही राय दूं तो आप दिल्ली मत आना, क्योंकि यहाँ 4-लाइन हाईवे है और फिर भी आप जाम देखो, इतना बड़ा ट्रैफिक जाम है, मतलब यहाँ पे 15 मिनट होगी 4-लेन हाईवे पे, और ये मेन जो GT करनाल रोड वाला वे है, यहाँ पे भी इतनी भीड़ है। अभी पहुंच चुके हैं पैलेस में, तो चलते हैं अंदर देखते क्या सीन है। फाइनली पहुंच चुके हैं रिजॉर्ट में, अब कर दिया है गाड़ी पार्क, तो चलते हैं, बढ़िया तो लग रहा है रिजॉर्ट, तो अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। फ्रेंड्स मिल चुका है यहाँ पे, हेलो ब्रो, ले यार तू व्लॉग में आ चुका है, ओए एवरीवन हेलो, हाँ नहीं आ जा दादाजी, आ चुके हैं यहाँ पे, तो चलते हैं अंदर। ओ भाई साहब आ चुके हैं, आशीष चाचा मिल चुके हैं, रिजोर्ट तो काफी बढ़िया है गाइस, देखो यहाँ पूल साइड वगैरह यहाँ पे। ये मैंक भी आ चुका है, हेलो ब्रो, ये खुशी भी आ चुकी है, बढ़िया है ना रिजोर्ट, केतन में भी आ चुका है, चाची भी आ चुकी है, सारे आते चिमड़ जाते हैं मेरे, बिल्कुल फॉरेन वाली फीलिंग आ रही है कसम से। ये डाइनिंग एरिया इस रिजॉर्ट का, और अभी मैं जा रहा हूँ रूम में, तन में लेके जा रहा है, तो चलते हैं।
मैंने आपको जो एरिया दिखाया था वो था लोन एरिया, मतलब जो पूल साइड एरिया है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ लोन वाले एरिया में, जो रिजोर्ट है काफी यूनिक बढ़िया है, 3 स्टार है वैसे भी, है तो मजा आ रहा है पूरा। और ये वैन है स्पेशल घूमने के लिए, अभी कोई ड्राइवर तो नहीं है यहाँ पे। ये मेन बैंकेट हॉल भाई साहब, अलग ही चीज है, गजब है ना, मस्त चीज भाई, गजब। देखो तो आप यहाँ झूमर वगैरह, बिल्कुल फॉरेन वाली फीलिंग आ रही है। सारी खड़ी है लग्जरी गाड़ी है, BMW, ये मर्सिडीज SLC भाई साहब कन्वर्टिबल, और वहाँ वोल्वो। और यहाँ चल रहा है बुआ और का, मतलब जिनकी शादी है उनका चल रहा है फोटो शूट, सब चलते हैं अंदर ही। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल कुछ खाता हूँ, भूख लग रही है, सुबह ही खाया था 11 बजे जो भी ब्रेकफास्ट किया था, सब चलते हैं यहाँ पे। तो सभी सारा खत्म हो चुका है, हम आए हैं 5:30 बजे तो होना ही था ऑब्वियसली, तो यहाँ दही वाले मिल रहे हैं, बस वही खाते हैं, उससे ही काम चलाते हैं। यहाँ खा रहे दही वाले, यहाँ कर रहे थे फोटो शूट, अभी हो चुका है थोड़ा बहुत, वो आप इंस्टा पे ही देखने को मिल जाएगा, इंस्टा फेसबुक वगैरह पे। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो जाके जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। चाचू ये परचेज पता है क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि चाचू इसमें पूरे नहीं आएंगे, लाइटनिंग वगैरह ऑन हो चुकी है, रिंग सेरेमनी के लिए यहाँ ही होगा वो प्रोग्राम। तो अभी यहाँ, अभी तो हम यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं, रिजोर्ट को देख रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम यहाँ लगेज लेने, गाड़ी को वहाँ रिसेप्शन के सामने लेके चलते हैं, तो वहाँ इजीली उतर जाएगा, तो चलते हैं। गाइस अभी आ चुका है लगेज, जितना कुछ है अभी कैरियर वाला आ रहा है, अपनी गाड़ी पार्क और लगेज वगैरह सारा अंदर चला गया, अमन ले गया था वो अंदर उनके साथ जो कैरियर वाले थे, तो चलते हैं आप अभी अंदर रूम में। फिर गाइस देता हूँ आपको रूम टूर, मैं देता हूँ आपको रूम टूर। यहाँ पे है और मतलब वॉश बेसिन वगैरह, यहाँ टॉयलेट, ये बाथरूम, और गाइस यहाँ पे अलमीरा देखने को मिल जाती है, ये कॉफ़ी बनाने का एरिया, और ये मिरर, और यह कॉम वगैरह, और ये कुछ ऑल ओवर रूम, यहाँ एक बेड और ये डबल बेड, वहाँ सोफ़ा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे टेबल। मैंने आपको दे दिया रूम टूर, थोड़ी देर में रूम में रेस्ट भी कर लिया, तो चलते हैं बाहर देखते हैं क्या प्रोग्राम है। अभी कुछ ऑल ओवर डेकोरेशन ऐसी लग रही है भाई, फॉरेन वाली फीलिंग आ रही है कसम से भाई। ये कुछ ऑल ओवर यहाँ पे रिजॉर्ट बाहर से लुक ऑल ओवर ऐसी आ रही है, यहाँ पे भी अभी फंक्शन जो रिंग सेरेमनी का, यहाँ से एंट्रेंस है टाइप से। अभी सारे बैठे हैं मस्त अपना बातें कर रहे हैं, हवा चल रही है, ठंड हो चुकी है, अब जैकेट पहननी पड़ेगी। कल अभी अंदर आ चुके हैं रूम में, चलते हैं चेंज वगैरह करते हैं। और ये ऑल ओवर रिसेप्शन एरिया, तो यहाँ है हमारे रूम्स, और बाहर है अपना फंक्शन रिंग सेरेमनी। मैं आपको बाहर का व्यू, गजब व्यू आ रहा है इस गजब। मैं जा रहा हूँ फिलहाल लेजर ड्रेस करवाने, यहाँ पे है ऊपर आंटी जो ड्रेस कर रही है, तो करवा लेता हूँ। ये गाड़ी में ना सारा हो गया खराब, से सलवटे आ चुके हैं, तो चलते हैं। हाँ पापा का कोट भी आ चुका है, मेरा भी, तो अभी ये प्रेस हो रही है। हमारे दूल्हे राजा रेडी हो चुके हैं, ये विवान, पापा भी हो चुके हैं यहाँ पे रेडी, अभी बस मैं भी हो रहा हूँ, अमन और मैं हो चुके हैं रेडी। मैंने अपना ब्लेजर और नीचे इनर वगैरह जींस और पहन लिया रेडी हूँ, और इसने पहन लिया 5 पीस, तो दोनों भाई हो चुके हैं रेडी, तो अब चलते हैं बाहर। घुसने देख लो पिज्जा, बैग बन चुके सारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, रशियन से मिलने हुए आ रहे थे फॉरेनर्स, तो अभी मिलते हैं इनसे, रशियन से गए थे सारे, एक्साइटेड है गाइस मिलने के लिए। मम्मी भी इधर रेडी हो चुकी है, खुशी भी रेडी हो चुकी है, और दीबू भी, यहाँ सभी इकट्ठे हो चुके हैं, बाबा जी चाचू वगैरह, और यहाँ छोटे चाचू भी आ चुके हैं, बाबा जी भी आ चुके हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है गाइस। यहाँ पे अभी बुआ की एंट्रेंस होने वाली है, तो यहाँ सारे इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पे माँ जी वगैरह भी आ चुकी है गाइस, और यहाँ आ चुकी है चाची, और ये मम्मी चाची आ चुकी है। तो गाइस अभी यहाँ सारे इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि अभी एंट्रेंस में शादी है बुआ जी और बुआ की, तो आज चाचू की सिस्टर की शादी और चाचू सब, तो चलते हैं।
जंग जीत चुका है, रशियन के साथ फोटो करवा लिया है और ये सारे मुझे देख रहे हैं यार। मैंने हौसला दिया था, मैंने हौसला दिया था भैया। मोटे किस्मत है इसकी, मारू किस्मत। सो गाइस अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। चल रहे हैं फोटो शूट अभी। तो गाइस अभी वहाँ स्टेज पे तो दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं, मतलब फूफा जी, पर अभी वो आने वाली है उनकी एंट्री में, धमाल करने वाले हैं, तो आप देखते हैं क्या होगा क्या होगा। ये चाची गाइस वाली चाची मिल चुकी है मुझे। हेलो गाइस, चाची बोल के तो दिखाओ, चाची फेस करो। चाची ने अपना फेस दिखाया। गिफ्ट आइटम्स मुझे नहीं पता क्या बोलते एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ शोपीस जो लगा रखा है ना बीच में, गिफ्ट ही है एक टाइप से, शर्ट्स वगैरह और जो इसमें डिजाइंस है काफी यूनिक लग रहे हैं भाई। अभी चल रही है फिलहाल रिंग सेरेमनी, वो आ चुकी है, बनी भी आ चुकी है, तो अभी होने वाली है रिंग सेरेमनी। अभी चल रही है थोड़ा जो रीति रिवाज वगैरह वो चल रहे हैं, उसके बाद चलेगी रिंग सेरेमनी। कुछ होने वाला है लेकिन ये नहीं पता क्या होने वाला है। ये यहाँ पे ये खड़े तो है रसियाले के दोनों तरफ, एक टाइप से रिवन गाइस दोनों तरफ पता नहीं क्यों, और बीच में मैट लगा दिए, तो देखते हैं क्या होएगा। सो गाइस यहाँ पे सारी रशियंस रेडी है, यहाँ इन्होंने ले लिया सितार, तो देखते हैं कैसा वेलकम होएगा इस बार। 15 मिनट हो गया वेट करते हुए, सारे ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या होएगा क्या होएगा, वो आ ही नहीं दे रहे, सबका वो बढ़ जा रहा है। इनका भी वेलकम हो चुका है, फूफा जी का भी दृश्य। खुशबू कहना चाहती है सुपर जोरदार हो जाए।
और अभी होने वाली है डांस परफॉर्मेंस, चाहे उसकी भी होगी एंट्री वगैरह की, जो मैं आपको बोल रहा था मुकाबला सॉन्ग पे, तो देखते हैं क्या सीन है। अभी डांस परफॉर्मेंस बुआ फूफा जी की, तो देखते हैं। ऊपर से ड्रोन उड़ा रहे हैं यहाँ पे, तो पागल बनाए जा रहे हैं गाइस फिलहाल तो। और अभी इधर आने वाली है चाचू की परफॉर्मेंस, तो देखते हैं कैसी है। इंटरेस्टिंग लग रही है, मतलब काफी एक्साइटेड हूँ, तो भी एक्साइटेड है, एक्साइटेड। तो गाइस अब परफॉर्मेंस होगी वो सारी लड़की वालों की तरफ से होगी, और जो पहले हो रही थी वो लड़कों वालों की तरफ से, तो देखते हैं कॉम्पिटिशन। आप कॉमेंट करके बताना कौन सी बढ़िया थी। परफॉर्मेंस लड़के वालों की सारी परफॉर्मेंस के बराबर थी, देखा जाए तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस थी है ना। चुकी है बाबा जी माँ जी की परफॉर्मेंस, भाई साहब अभी तक तो जितनी दो परफॉर्मेंस हुई है तगड़ी गई है सारी, अब बाबा जी माँ जी की तगड़ी जाने वाली है, तो देखते हैं अब। यहाँ पे हो चुकी है स्पार्किंग, पता नहीं क्या हुआ, बाबा जी माँ जी ने आग लगा दी है गाइस। तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ रूम में, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बस घर पे, मौसी के घर पे। एक दो परफॉर्मेंस रह गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा, तो अभी दो बज चुके हैं सवा दो, और वो वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं आ जाओ घर पे, घर पे ही जाना है, क्योंकि कल शायद मामा वाली अटेंड ही कर रहा हूँ मैं शादी, क्योंकि वहाँ सारे मामा और आ जाएंगे और भी, सो काफ़ी मज़ा आएगा, कजन्स वगैरह सारे हो जाएंगे, तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा शायद से। यहाँ पर भी आपका, लेकिन फिर एक की तरफ कर सकता हूँ टेंट, तो वो वाली करते हैं, कुछ नहीं होता, यहाँ पे मिस करूँगा, लेकिन कोई नहीं। तो अब चलते हैं और सामान रखवाता हूँ जल्दी से गाड़ी में, गाड़ी पाके इसको लेके चलते हैं वहाँ पे, वहाँ अपना सामान आ चुका है, तो चलते हैं। बस यहाँ रख दिया सामान, तो गाइस बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बस अब रूम मतलब घर पे जाएंगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगा होगी या तो सुबह कर लूँगा, सुबह बस वहाँ जा कर सोना ही, अब तो टाइम भी वैसे 2:30 बज चुके हैं देख लो। तो बस अब मिलते हैं आपको जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड।